आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में झमाझम बारिश, अभी तक 3 लोग गंवा चुके जान। उत्तराखंड में हर साल मानसून लोगों पर कहर बनकर टूटता है, वहीं इस बार भी मानसून ने दस्तक देते ही 4 लोगों की जान ले ली। आने वाले समय में प्रदेश में बारिश और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। रानीखेत क्रिकेट टूर्नामेंट MES रानीखेत और रिकॉर्डर्स की आरती ने जीते अपने मैच, पंकज और मयूर चमके। पिथौरागढ़ में बोल्डर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, टाइल्स लगा रहे मिस्त्री की तीसरी मंजिल से गिरकर गई जान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 2 हादसों ने हड़कंप मचा दिया। पहली घटना में खेत में घुसे आवारा पशुओं को भगाने गए व्यक्ति के ऊपर बोल्डर गिरने से उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना में तीसरी मंजिल पर टाइल लगा रहे मिस्त्री नीचे गिरकर जान गंवा बैठा। इकलौती बेटी वाले परिवारों को केंद्र का उपहार, हायर एजुकेशन में मिलेगी स्कॉलरशिप, ये है शर्तें। गढ़वाल केंद्र विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन में एक बेटी वाले परिवार को उपहार दे रहा है। इसमें PG कर रही छात्राओं को 42,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप भारत सरकार की इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के अंतर्गत दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे सांदर के ग्रामीण, तालाबंदी कर अधिकारियों का किया घेराव। नया सांदर मोटर मार्ग पर अनियमितताएं और सड़क के मलबे से क्षतिग्रस्त मार्गों को लेकर सांदर के ग्रामीण लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तालाबंदी कर अधिकारियों का घेराव किया। वहीं समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, शिक्षा विभाग में CRP BRP की भर्ती शुरू, जाने योग्यताएं और आवेदन की प्रक्रिया। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। आज से ही CRP यानी सकुल संदर्भ पर्सन और BRP यानी ब्लॉक संदर्भ पर्सन के करीब 1000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस खबर में जानिए इन पदों के लिए क्या योग्यता और कैसे करें आवेदन। मानसून की पहली बारिश ने ही छुड़ाए सिस्टम के पसीने, पानी पानी हुआ पूरा शहर। उत्तराखंड में अभी मानसून ने दस्तक दी ही है, लेकिन सिस्टम पूरा पानी पानी हो गया। हालात ये हैं कि हल्द्वानी शहर में पहले ही बारिश नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। हरिद्वार नाबालिग गैंगरेप हत्या मामला, पीड़ित परिवार से मिले हरीश रावत, धामी सरकार को घेरा। देहरादून रवि बटोला हत्याकांड, 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज, अवैध संपत्ति को होगी जब्त। देहरादून के चर्चित रवि बटोला हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। 7 आरोपियों पर उत्तराखंड में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बाघ ने 2 भैंसों को बनाया निवाला, दहशत में ग्रामीण, वन विभाग ने लगाई गुहार। हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में बाघ का आतंक कम नहीं हो रहा है। ताजा मामला तराई पूर्वी वन प्रभार के टाली रेंज का है, यहां बाघ ने 2 भैंसों को निवाला बना लिया। इससे पहले गुरुवार को बाघ ने 7 साल के बच्ची को भी शिकार बनाया था। इन दिनों घटनाओं के बाद से लोग काफी डरे हुए हैं। हल्द्वानी में शिक्षक की पत्नी ने किया सुसाइड, परिवार ने मचा हड़कंप। नैनीताल के मुख्य चौराहे पर मौजूद डाकघर होगा सिर्फ, तेजी से होगा 4G सैचुरेशन स्कीम का काम। उत्तराखंड उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेगा वामपंथी पार्टियों का साथ, नेताओं ने किया ऐलान। प्रदेश की बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में वामपंथी पार्टी भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया। उत्तराखंड शासन में तबादलों को लेकर होमवर्क पूरा, जल्द जारी हो सकती है लिस्ट, प्रमोट हुए 4 तहसीलदार। 85 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, UP से हो रही थी सप्लाई। चंपावत में 4 स्मैक तस्करों को 840 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी हैं। बरामद स्मैक की कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध संबंधों के लिए मां ने चढ़ा दी ममता की बलि, जरा भी नहीं पसीजा कलेजा, बेटी को दी खौफनाक मौत। टनकपुर शारदा बैराज में मिली 2 लाशें, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। शारदा बैराज में अज्ञात महिला और पुरुष की लाश मिली है। लाश मिलने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है।
उत्तराखंड SDRF के जवान ने रचा इतिहास, फतह की नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। उत्तराखंड SDRF जवान राजेंद्र नाथ ने इतिहास रच दिया है। राजेंद्र नाथ ने नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देनाली पर तिरंगा फहरा दिया है। उनकी इस उपलब्धि से उत्तराखंड SDRF में खुशी का माहौल है। वन विभाग वृक्षारोपण पर रोपित पौधों की करेगा जियो ट्रेनिंग, ग्रामीणों को भी मिले अधिकार। उत्तराखंड में हर साल हरेला पर्व पर वन विभाग पौधों को रोपित करता है, लेकिन इस बार वन महकमा प्रत्येक पौधों की जियो ट्रेनिंग करने जा रहा है, साथ ही पौधों की देखरेख के लिए जवाबदेही भी तय करेगा। अंतर्राज्यीय गिरोह का मास्टरमाइंड जयपुर से गिरफ्तार, लाभ कमाने का लालच देकर लोगों को लगाता था चूना।